हाँ जी, ये दो क्वेश्चन और बाकी हैं, फटाफट से कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15, टाइप कैश सेटल, और कैश सेटल के अंदर याद है ना, फेयर वैल्यू हर बार चेंज होता है। ओके, तो लाइबिलिटी कंसिडर करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग अपने को खर्चे उसके अकॉर्डिंग बुक करने पड़ेंगे। पीक्यूआर लिमिटेड, कैश सेटल याद तो है ना, कैश सेटल में मैंने दो करवाया था, इमीडिएट वेस्टिंग वाला और एक वेस्टिंग पीरियड गिवन होगा उसके बाद की भी इतने टाइम रुकना, उसके बाद लेके जाना कैश। ओके, तो ये कौन सा वाला है जरा देखते हैं। पीक्यूआर लिमिटेड ग्रांट 80 कैश एसएआर, 80 एसएआर दिए जाएंगे, शेयर एप्रिसिएशन राइट मतलब आपको 80 रुपए दिए जाएंगे टू ईच ऑफ इट्स 400 एम्प्लॉइज ऑन कंडीशन दैट एम्प्लॉय रिमेन इन इट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। कंडीशन डाली कि नहीं डाली? बिल्कुल, इमीडिएट वेस्ट नहीं हो रहा है, 3 साल आपको रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ड्यूरिंग ईयर वन 30 एम्प्लॉइज लीव, 30 एम्प्लॉई छोड़ गए। द एंटिटी एस्टिमेट दैट अ फर्दर 50 विल लीव ड्यूरिंग ईयर टू एंड थ्री। अच्छा, 30 तो छोड़ गए, 50 और छोड़ जाएंगे सेकेंड और थर्ड में, ये हमारा फर्स्ट ईयर का एस्टिमेशन है। ड्यूरिंग ईयर टू 40 एम्प्लॉइज लीव, अच्छा एक्चुअली दूसरे साल 40 छोड़ गए, एंड एंटिटी एस्टिमेट क्या कर रहा है कि 30 और छोड़ जाएंगे तीसरे साल में, तीसरे साल एक्चुअली 40 छोड़ गए, और एट द एंड ऑफ द ईयर 3 ऑल एस ए आर हेल्ड बाय द रिमेनिंग एम्प्लॉइज वेस्ट, और बाकी एम्प्लॉइज को क्या मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा हमसे कैश लेने का, दे आर एलिजिबल टू रिसीव कैश। हाँ, इसके बेसिस पे, शेयर्स के बेसिस पे। एट द एंड ऑफ ईयर 300 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज दियर एस ए आर, तीसरे साल के एंड में क्या किया, 100 एम्प्लॉइज ने एस ए आर। अच्छा, अब देखो एक्सरसाइज भी कैसे कर रहे हैं, टोटल कितने थे देखो, 400 थे ना, 400 में से पहले साल कौन छोड़ गया, 30, फिर दूसरे साल कितने छोड़ गए एक्चुअली 40, और तीसरे साल कितने छोड़ गए एक्चुअली अगेन 40, तो बचे कितने, 290, 290, 290 एम्प्लॉइज। अब 290 एम्प्लॉइज कभी भी आए और ले जा सकते हैं ना 3 साल बाद में। ओके, लेकिन एक्चुअली एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तीसरा साल के एंड होने पर सिर्फ कितने लोग आए, 100 ही आए, 100, और 120 कब आए, एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, और बाकी के कितने बच गए, 290 में से 100 हटा दो, 190, 190 में से 120 हटा दो, 70, 70 ने कब एक्सरसाइज किया, एट द एंड ऑफ ईयर 5। ओके, फेयर वैल्यू ऑफ एस ए आर एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन विच अ लाइबिलिटी एग्जिस्ट एंड द इंट्रेंसिक वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्सरसाइज इज शोन बिलो, और इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए क्या लिखा है, इंट्रेंसिक वैल्यू विच इक्वल द कैश पेड आउट। ओके, आप एम्प्लॉय को पैसा कितना देंगे, इंट्रेंसिक वैल्यू के बराबर, 80 कैश, सॉरी ये जो मैंने 80 रुपीज बताया था ना, दिस वन इज 80, मैंने शायद रुपीज बता दिया था, ये 80 अवार्ड्स है देखा जाए तो, है ना, और इसके बदले में 80 एसएआर के बदले में, एसएआर के बदले में हर एक एसएआर के बदले में कितना रुपया मिलेगा आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर मिलेगा। 80 तो कैश नहीं था ना, 80 तो एसएआर था, रुपीज नहीं है, 80 एसएआर, जैसे 80 अवार्ड्स होते थे ना पहले, ऑप्शन शेयर मिलते थे, वैसे 80 अवार्ड्स है ये, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स है ये, और 80 एप्रिसिएशन राइट्स है, और हर एक राइट के बदले आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कितना मिलेगा, इंट्रेंसिक वैल्यू कैश पेड आउट, कैश मिलेगा भैया इंट्रेंसिक वैल्यू के बराबर, मतलब जो 100 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज किए ना उनको तो किस रेट से देंगे, 15 की रेट से पैसा देंगे 100 एम्प्लॉइज को, ठीक है, और जो 120 एम्प्लॉइज थे वो फोर्थ ईयर में एक्सरसाइज किए थे ना उसको 20 रुपए के हिसाब से पे करेंगे, और ये जो बाकी एम्प्लॉइज कितने बचे थे अपने, 70 ना, तो 70 एम्प्लॉइज को 24 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे। क्लियर है वाली चीज, तो ये पेमेंट करने की रेट होगी, और खर्चा बुक करने की रेट क्या होगी, वो फेयर वैल्यू, बट खर्चा अगर आपने फेयर वैल्यू पे बुक किया और इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ और है तो उसका भी एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, आप खर्चा बुक कर रहे हो 18 के हिसाब से, पे कर रहे हो 15 के हिसाब से, तो खर्चा कम हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू के साथ साथ इंट्रेंसिक वैल्यू को भी ध्यान में रखना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, जब हमने कैश सेटल या कैश प्लान पढ़ा था, और आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, ये कैश सेटल था कि भी आप कैश ले सकते हो, एंट्री क्या होती थी, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी, और फिर जब पेमेंट करना होता था
तो एसबीपी लाइब्रेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर ये हमने मिंदा वाला क्वेश्चन किया था, इसमें इमीडिएटली वेस्ट हो रहा था, पहली लाइन में लिखा हुआ है दैट वेस्ट इमीडिएटली, आया ना बिल्कुल ऐसे यार इतने थे, उसके बेसिस पे अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना था। अब इमीडिएटली वाले में मैंने आपसे क्या करवाया था, इस तरीके से बनवाया था टेबल, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस एंड एसबीपी लाइबिलिटी बनवाया था, याद आ रहा है कुछ, डेट एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर यार ले लो, या फिर ऐसे आता था कैसे, एसबीपी लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस प्लस एसबीपी लाइबिलिटी पेड माइनस, हाँ क्या करते थे, माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसबीपी लाइबिलिटी, याद आ रहा है कुछ, अभी बता दूंगा। ये कॉलम होते थे और इसके अकॉर्डिंग एंट्रीज थी। और अगेन हमने एक और क्वेश्चन किया था, अब इससे आपको समझ में आ जाएगा, देखो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे लाइबिलिटी एट द एंड प्लस इस बार कितना पे किया, लाइबिलिटी एट द एंड प्लस इतना कितना पे किया माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी 4950, और इससे आता था एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, कुछ याद आ रहा है, इस बार और कितना खर्चा बुक करेंगे, एक तो लाइबिलिटी एट द एंड जितना बचा हुआ है प्लस लैपलाइन लाइबिलिटी जितना पे कर दिया माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी और कितना खर्चा बुक करना है, क्लियर है। अच्छा, और एसबीपी लाइबिलिटी वाला वो कॉलम तो मैं अलग से बनाता था, मैंने कहा जरूरत तो नहीं है, बना लो अगर आपको एंट्रीज मर्ज करके दिखानी हो, बट अपन कभी मर्ज करके दिखाए क्या, नहीं ना, तो इस कॉलम को बनाने की जरूरत है क्या, नहीं ना, रहने दें अभी भी, ठीक है ओके। फिर उसके बाद हमने एंट्रीज वैसे ही करवाई थी इजी फॉर्मेट में, मर्ज करके मैंने नहीं करवाई, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस टू एसबीपी लायबिलिटी और एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डन। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, हाँ जी एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट जो भी है, अगेन हर बार यही होगा जैसे जैसे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। अच्छा, इसमें भी इमीडिएटली वेस्ट था क्या, हाँ सर इसमें भी वेस्टेड इमीडिएटली ही था, तब हमने बनाया था ओके। फिर जैसे जैसे वो लेके जाते गए पैसा, वैसे वैसे लाइब्रेरी का पेमेंट होता गया था। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन था, इसमें था वेस्टिंग पीरियड 3 साल, तो मैंने कहा था आपको वेस्टिंग पीरियड है तो अपन डायरेक्ट ही कर लो ना, क्यों इतना परेशान, वेस्टिंग पीरियड हो तो इक्विटी प्लान की तरह ही होगा, बस फेयर वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये बोला था मैंने, बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन इसके अंदर क्या था, इसके अंदर खर्चा बुक किया, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, ठीक है भैया 3 साल बाद होगा, और सारे एम्प्लॉयज ने क्या कर लिया था, पैसा ले लिया था, कब, 3 साल बाद। अब अभी वाला क्वेश्चन जो अपने पास आ रहा है, अच्छा इससे आगे वाला क्वेश्चन एक और देखो, इसमें भी क्या था, कंडीशन कितनी थी, इसमें भी कंडीशन कितनी थी, कितने टाइम ही रहना था, 75 एम्प्लॉयज है विद द फेयर वैल्यू द टर्म ऑफ द अवार्ड सर्विस ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल था, तो 4 साल तक फेयर वैल्यू चेंज हो रही थी, इसमें भी क्या हो रहा था, 4 साल बाद सब लोग ही क्या कर रहे थे, शेयर ले जा रहे थे, तब इसमें भी अपन ने क्या कर दिया, इक्विटी प्लान की तरह ही कर दिया था, याद आया, हाँ सर, और विदाउट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन वाला था वो अपन ने अलग देख लिया था कि भैया मॉडिफिकेशन हो गया तो वेस्टिंग पीरियड बदल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब जिसमें वेस्टेड इमीडिएटली था तब मैंने बोला टेबल बनाओ, और जो वेस्टेड वेस्टिंग पीरियड दे रखा है जिसमें, तो मैंने कहा था डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन अभी अभी तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है, अगर इसमें मैंने डायरेक्ट किया ना तो 3 साल तक, तो 2 साल तक तो मामला ठीक रहेगा, तीसरे साल भी ठीक रहेगा, लेकिन आगे का भी तो खर्चा रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, 4 और 5 का भी, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसी टेबल को बनाना पड़ेगा, उसी टेबल को ही बनाना पड़ेगा, क्लियर है वाली चीज। तो चलिए बनाते हैं वो टेबल, याद है क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस एंड एसबीपी लायबिलिटी, कौन कौन से कॉलम बनेंगे, ईयर, वो एसबीपी लायबिलिटी प्लस माइनस का कॉलम थोड़े बनाऊं, जरूरत नहीं है ना उसको, लास्ट वाले को ओके, ईयर 1, अच्छा दो दो लाइन छोड़ के बनाना ना, 2, 3 कैलकुलेशन जाएगी, 4 और 5, 5 साल है, पहला कॉलम कौन सा था, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 3 कॉलम बांटने ना, दूसरा कॉलम एसबीपी लायबिलिटी पेड, एसबीपी लायबिलिटी पेड, और तीसरा कॉलम क्या, एसबीपी लाइबिलिटी
हाँ बैलेंस, एसबीबी लाइब्रेरी में पे करने के बाद लास्ट में बैलेंस कितना बचा? ओके पहले साल की बात करते हैं, लिखा है यहां तक? हाँ जी, पहले साल की बात करें। बिल्कुल सर, पहले साल क्या है, कितने एम्प्लॉइज लग रहे हैं आपको? सर 400 थे, क्या बोल रहे हैं? पहले साल कितने छोड़ गए? 30 छोड़ गए। और क्या लग रहा है, एंटिटी एस्टिमेट क्या कर रहा है? दैट फर्दर 50 विल लीव ड्यूरिंग टू एंड थ्री। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे लग रहा है 30 तो छोड़ ही गए, और क्या लग रहा है 50 और छोड़ जाएंगे। तो मेरे को जो लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना है, लायबिलिटी का मेरे का बैलेंस रहना चाहिए, वो कितना रहना चाहिए? देखो जरा, 400 माइनस 30 माइनस 50 एम्प्लॉइज हैं, हर एक को कितना SAR? 80 SAR, और इनटू किस रेट पर? हाँ एट द एंड फेयर वैल्यू, एट द ग्रैंड डेट नहीं, वो तो वेस्टेड इमीडिएटली पे होता है, फेयर वैल्यू एट द एंड 15 रुपए। हाँ तभी तो वेस्टेड इमीडिएटली में होता है, वो दे भी नहीं रखा, अच्छी बात है। हाँ वरना दे रखा हो तो भी मत लेना, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड जब भी होगा तो एट द एंड रिपोर्टिंग डेट 15 रुपए। इनटू क्या करना चाहोगे? मैंने कहा था इक्विटी प्लान की तरह करना ना, वेस्टिंग पीरियड कितना था 3 साल ना, तो 1/3, 1/3 कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए? इक्विटी प्लान की तरह ही है, लेकिन फॉर्मेट अपन क्या कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, वरना फोर्थ और फिफ्थ ईयर में अपनी दिक्कत हो जानी है। बताओ, 1,28,000। तो मेरे को फर्स्ट ईयर में, मैंने कहा ना दो दो लाइन छोड़ के करना ना, हाँ फर्स्ट ईयर में एसबीबी लाइब्रेरी का बैलेंस कितना रहना चाहिए? 1,28,000। तो खर्चा भी कितना बुक होना चाहिए? 1,28,000। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी वही चीज है, 1,28,000। क्या आपने इस बार कोई एसबीबी लाइब्रेरी पे की है? नो सर, नो, वो तो थर्ड ईयर के बाद में लेके जाना है ना। ओके सेकेंड ईयर अगेन एसबीबी लाइब्रेरी का बैलेंस कितना? सर 400 एम्प्लॉइज थे, 30 तो पहले साल ही छोड़ गए थे, माइनस, अभी और क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरे साल कितने छोड़ गए? दूसरे साल क्या एस्टिमेशन है? ड्यूरिंग द ईयर टू 40 एम्प्लॉइज ली, 40 छोड़ गए, और एनटीटी एस्टिमेट कर रहा है 30 और छोड़ जाएंगे। ओके दूसरे साल के एंड में 40 तो 30 तो पहले ही छोड़ गए थे फर्स्ट में, सेकंड में 40 छोड़ गए, और क्या लग रहा है कितने और छोड़ जाएंगे? 30 और छोड़ जाएंगे। ओके एम्प्लॉइज इनटू 80 SAR इंटू रुपीज, इस दिन का फेयर वैल्यू कितना है? 16 रुपए। ओके और अब तक कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए? 2/3। अब तक 2/3 की लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, इक्विटी प्लान की तरह ही होता है ना, अब तक 2/3 होना चाहिए, माइनस पिछली बार तक कितना हो चुका है। ओके तो 2/3 अभी तो फिलहाल, अब तक कितना बुक हो जाना चाहिए? देखो 2,56,000। ओके 2,56,000 अब तक हो जाना चाहिए, क्यूमुलेटिव हो गया एक तरीके से ये, उस क्यूमुलेटिव में से पिछली बार 1,28 रिकॉर्ड हो चुका था ना। ओके तो मैंने लिखा 2,56,000। अच्छा इस बार पे तो कुछ हुआ ही नहीं ना, नो, तो 2,56,000 प्लस पे तो कुछ हुआ नहीं है, तो प्लस कुछ नहीं करना, माइनस पिछली बार तक कितना, 1,28,000 एम्प्लॉय एक्सपेंस, इस बार कितना रिकॉर्ड करना है? 1,28,000, 1,28 पिछली बार रिकॉर्ड किया, 1,28 इस बार, तो टोटल कितना हो गया? 2,56। ओके सर ये वैसे ही था, आपने बस फॉर्मेट चेंज कर दिया, फॉर्मेट चेंज करने का रीजन है, रीजन क्या है, वो बाद में बार बार थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट हो रहा है, वरना आगे जाके हम उलझ जाएंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इवन थर्ड से ही उलझने का काम चालू हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में भी क्या हो रहा है, थर्ड के एंड में पेमेंट चालू हो रहा है, तो अभी अपन देखो कैसे होगा। थर्ड के एंड में लायबिलिटी का बैलेंस कितना रहेगा वो जरा देखो। सर थर्ड के एंड में ऐसा है कि 400 एम्प्लॉइज थे, 30 तो पहले साल छोड़ गए थे, 40 दूसरे साल छोड़ गए थे, तो
और तीसरे साल एक्चुअली कितना छोड़ के गए? सर तीसरे साल एक्चुअली 40 ही छोड़ कर गए, है ना, रियलाइज कर देता हूं 40 और। अच्छा सुनो, क्या इस बार किसी लाइब्रेरी का पेमेंट हुआ है थर्ड ईयर के एंड में? हाँ सर, थर्ड ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉइज का पेमेंट हो गया? 100 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज दियर ऐसे यार। अच्छा इनका तो पेमेंट हो गया है, तो इनका बैलेंस थोड़ा ना बचेगा अब? नो, 100 एम्प्लॉइज को किस रेट पर पेमेंट किया गया था? इंट्रेंसिक वैल्यू 15 रुपए के हिसाब से। अच्छा एसबीपी लाइब्रेरी पेड में कितना आएगा जरा देखना, 100 एम्प्लॉइज हर एक को कितने एस ए आर? 80 एस ए आर और इंटू कितना रुपए इंट्रेंसिक वैल्यू? 15 रुपए। जरा देखना कितना होता है, 1,20,000 रुपए का, 1,20,000 का पेमेंट हो गया है। अच्छा 100 का पेमेंट कर दिया तुम लोगों ने, तो अब लाइब्रेरी का बैलेंस रखने में ये क्या 100 एम्प्लॉइज लेस नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, ये चीज ध्यान रखने लायक है यहां पर ये चीज ध्यान रखने लायक है कि 400 में से 30 फर्स्ट ईयर में चले गए, 40 सेकेंड ईयर में चले गए, 40 थर्ड ईयर में चले गए और 100 का पेमेंट हो गया, तो अब बैलेंस कितने बचे? 190 एम्प्लॉइज, आई थिंक 190 एम्प्लॉइज। हर एक को 80 एसएआर की लायबिलिटी आपको मेंटेन करनी है, और इस दिन फेयर वैल्यू कितनी थी? लायबिलिटी तो फेयर वैल्यू पे मेंटेन करनी है, फेयर वैल्यू कितनी थी? 18 रुपए। ओके 18 रुपए, और अब तक पूरा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए ना, 3/3, 3 साल पूरे हो गए हैं। ओके देखो जरा कितना लायबिलिटी मेंटेन करना है आपको, कितना 273,600। ओके 273,600। अब बताओ खर्चा कितना बुक करूं? खर्चे का वही रूल, क्लोजिंग में लायबिलिटी कितनी 273,600 प्लस पे कितना कर दिया 1,20,000, लायबिलिटी कम हो चुकी है, कम होने के बाद ही तो 273,600 बचा है। ओके तो अगर पेमेंट नहीं होता तो इतनी लायबिलिटी बचती कि नहीं बचती? हाँ बचती सर। माइनस ओपनिंग कितना 256,000, देखो कितना आ रहा है 137,600, 137,600 डन है, 137,600। देखो इतना लाइब्रेरी का तो पेमेंट हो गया ना, तो लाइब्रेरी अकाउंट अगर बनाओगे तो इतना तो पेमेंट चला गया, पेमेंट करने के बाद इतना बचा है। इसका मतलब जैसे लाइब्रेरी अकाउंट कोई भी लाइब्रेरी होता था उसका ओपनिंग बैलेंस याद है, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें से तुम क्या कर देते हो, कुछ तो पे कर देते हो और कुछ बाद में भी बच जाता है, तो क्लोजिंग में पेमेंट वाला ऐड कर दो और ओपनिंग वाला लेस कर दो, बैलेंस में क्या आ जाएगा इस बार और कितना खर्चा बुक किया, क्लियर है वाली चीज? तो बस उसी हिसाब से टेबल बना हुआ है कि क्लोजिंग बैलेंस में क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट वाला ऐड कर दोगे और ओपनिंग क्या कर दोगे लेस कर दोगे, तो और कितना इस बार लायबिलिटी रेज करना है, बोले तो खर्चा बुक करना है, वो पता चल जाएगा, क्लियर है? ओके अभी खत्म थोड़ी हो गया, नो इसीलिए तो टेबल यूज कर रहे हैं। फोर्थ, यहां तक लिख लिया क्या? बोलो रुकना है किसी के लिए? नो चलिए फोर्थ, फोर्थ में देखो, फोर्थ में कितने का पेमेंट हुआ है? फोर्थ ईयर में कितने एम्प्लॉइज का पेमेंट हो गया? 120 एम्प्लॉइज का, किस रेट से? 20 रुपए से। ओके तो 120 एम्प्लॉइज 80 एसएआर 20 रुपए, कितना लायबिलिटी का पेमेंट हो गया? 1,92,000। और कितनी और बच गई अभी भी? मैं कहा देखो हाँ देखो अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दे क्या, मैं कहा देखो 400 में से 30 40 और 40 तो पहले ही चले गए थे, ठीक है ना, कितने 400 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 40 कितना 290, 290 में से 100 उधर भी जा चुके थे, कितने बचा 190, 190 में से 120 और चले गए 70, हर एक को कितने एस ए आर? एस सी एस ए आर। और अच्छा लाइब्रेरी तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी ना, फोर्थ ईयर के एंड में देखो फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू है 21 रुपए। ओके
21 रुपए। अच्छा इंटू 3/3 लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो ईयर एक्सीड हो चुके हैं। सारा लाइब्रेरी बचा हुआ लाइब्रेरी इस पे मेंटेन होना चाहिए। 70 एम्प्लॉइज को हम 80 SAR के हिसाब से, 21 रुपए के हिसाब से हम पेमेंट फेयर वैल्यू हमें को खर्चा रिकॉर्ड करना है। हाँ, किसी बच्चे का मैसेज आया है। ओके मोनिका, 1,17,600 ये अभी भी मेंटेन करनी है ना। ओके, और तो इस बार खर्चा कितना बुक करें सर? क्लोजिंग 1,17,600 है, प्लस पे कितना किया? 192 पे किया, और ओपनिंग में कितना था? 273,600। तो और कितना लाइबिलिटी रेज करना है, खर्चा बुक करना है 36,000 का, और खर्चा बुक करना है। कभी कभी ये नेगेटिव भी आ सकता है ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स, लाइबिलिटी टू एक्सपेंस हो जाएगी। फिर फिफ्थ ईयर के एंड में लाइबिलिटी का बैलेंस खत्म। क्यों? क्योंकि ये जो 70 एम्प्लॉय थे ना, जिसको आप मेंटेन कर रहे हो, इसका पेमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर एक को कितने SAR? 80 SAR। और पेमेंट की रेट क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू कितने इस दिन? कितनी? 24 रुपए। ओके, 24 रुपए 70 एम्प्लॉयज को 24 रुपए के हिसाब से देंगे। ओके, 24 रुपए, देखना जरा कितना पेमेंट हुआ, 1,34,400। तो अभी देख रहे थे खर्चा कितना बुक करना है। क्लोजिंग बैलेंस कितना? निल, प्लस 1,34,400 माइनस 1,17,600 ओपनिंग, कितना? 16,800 का और खर्चा बुक कर लेंगे। क्या एंट्रीज तुमको करने के लिए दे दूं घर पे? इस क्वेश्चन की तो हो जाएगी। क्या करनी है? दो ही एंट्री करनी है हर बार क्या? हाँ जी, एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBP लाइबिलिटी, और SBP लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू SBP लाइबिलिटी, SBP लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू SBP लाइबिलिटी, और SBP लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे चल के मॉड्यूल वाले ने अलग तरीके से कर रखी है, मर्ज करके कर रखी है। मर्ज करने के लिए अपने को फोर्थ कॉलम बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम करें तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू SBP लाइबिलिटी, और SBP लाइब्रेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? अगेन, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू SBP लाइब्रेरी, और SBP लाइब्रेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है ये वाली चीज? चलिए कर लोगे तुम तो। अब इनकी वाली सुन लेते हैं ना, तो दिमाग का दही हो जाता इनका, वर्किंग नोट वगैरह हो, ठीक है ना? तो इनका नहीं करना, अपन अपने हिसाब से ये वर्किंग दे देंगे, और हमारे लिए फिर क्या हो जाएगी, एंट्रीज आसान हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इन्होंने लास्ट में क्या कर रखा है, 3 साल तक तो तुमको ऐसे ही मिलेगी। फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, इन्होंने मर्ज करके कर रखा है। फोर्थ ईयर में इन्होंने क्या कर रखा है? मर्ज करके कर रखा है। बट आप दो अलग अलग कर दोगे। आप करोगे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस फोर्थ ईयर में, देखो आप क्या करोगे, आप करोगे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू SBP लाइबिलिटी, कितना? 36,000 आया ना फोर्थ ईयर में। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू SBP लाइबिलिटी कितना? 36,000, और फिर SBP लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 192। तो खर्चा बुक करना है एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 36,000 से, और बैंक में कितना? 192। लाइबिलिटी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हम एक बार तो क्रेडिट कर रहे हैं 36,000 से, और 192 से डेबिट कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? 192 से डेबिट करने के बजाय, 36,000 से क्रेडिट करने के बजाय, नेट कितना? 156 से डेबिट कर रहा है। कर सकते हैं? ओके, बाकी अपने अपने हिसाब से करो, इनके हिसाब से नहीं। एंट्रीज दो बार करो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कर लोगे एंट्रीज तो हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16। इसके लिए जगह छोड़ देना ना एंट्रीज के लिए, हर एक के लिए। 5 साल है, पहले 2 में तो केवल 2 ही एंट्री होंगी। हाँ, और फिर सब में 2-2 एंट्री होगी, तो 6 और 2 8, 8 एंट्रीज के हिसाब से, 10 के हिसाब से छोड़ देना तुम तो। ठीक है, बिल्कुल। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड वो पढ़ा था अपने, डेट और इक्विटी। चॉइस रहेगी सामने वाले के पास कि कैश लेना है तो कैश ले लो, और इक्विटी लेना है इक्विटी ले लो। हमने बोला था इसको कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की तरह डील किया जाएगा, इक्विटी कंपोनेंट और डेट कंपोनेंट को अलग अलग किया जाएगा। फिर इक्विटी कंपोनेंट की अकाउंटिंग इक्विटी की तरह, और डेट कंपोनेंट की अकाउंटिंग डेट की तरह की जाएगी। खर्चे भी बुक उसी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। चलिए, तो
ऑन कंडीशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय इज ग्रांटेड द राइट टू चूज आइदर. भैया एम्प्लॉय के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो क्या ले ले, कैश ले ले किसके बराबर 3000 शेयर्स के बराबर, या फिर 3600 शेयर्स ले ले, 3600 शेयर्स ले ले, लेकिन उन शेयर्स पे क्या लगा है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन टू होल्ड देम फॉर 3 इयर आफ्टर वेस्टिंग. मतलब आप जिस दिन एलिजिबल हो जाएंगे शेयर लेने के लिए हमसे, उसके अगले 3 साल तक आप उस शेयर को बेच नहीं सकते हैं, होल्ड करना पड़ेगा. द शेयर प्राइस नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए है, एट द ग्रैंड डेट इज 60. ओके, फेयर वैल्यू कितनी बता रहे हैं 60 रुपए होगी. आफ्टर टेकिंग द इफेक्ट ऑफ द पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन द फेयर वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 54. अच्छा, तो आपको 54 लेनी है या 60 रुपए लेनी है? सर अगर हम शेयर ले रहे हैं ना, अगर हम शेयर ले रहे हैं ना, तो शेयर पे लगा है रेस्ट्रिक्शन, और रेस्ट्रिक्शन के केस में फेयर वैल्यू कितनी है, द फेयर वैल्यू इज एस्टिमेटेड 54. तो अगर मैं शेयर लूंगा तो फेयर वैल्यू कितनी कंसिडर करनी है 54, और अगर मैं कैश लूं तो कैश में कितना मिलेगा मेरे को 3000 शेयर के बराबर कैश मिलेगा, 3000 शेयर, और हर शेयर के बदले कितना कैश मिल जाएगा 60 रुपए. अच्छा, स्टार्टिंग में होता है वो तो, और कैश में तो सर हर बार क्या होता है चेंज होता है, फेयर वैल्यू जैसे ही चेंज लायबिलिटी भी चेंज. ओके, लेकिन स्टार्टिंग में तो इक्विटी कंपोनेंट और डेट कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए फेयर वैल्यू कौन सा लेना पड़ेगा, उसके लिए 60 रुपए फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट. याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किया था अपन, उसको रिकॉल करना होगा. बहुत सारी चीजें हैं इस एसबीपी लाइब्रेरी, एक अकेला चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड है देखा जाए तो, और क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, अलग अलग वेज हैं उनको करने के, तो ये आपको माइंड में रिटेन करना पड़ेगा. ठीक है, बार बार प्रैक्टिस से ही होगा और कुछ नहीं है. एट द एंड ऑफ द ईयर 1, 2, 3, अच्छा कैश प्लान होगा ना, उसके लिए आपको दे दिया फेयर वैल्यू अलग अलग 64, 68 और 72. एट द एंड ऑफ ईयर 3 एम्प्लॉई अगर वो कैश अल्टरनेटिव चूज करे या इक्विटी अल्टरनेटिव चूज करे, आप तो बता दीजिए वर्किंग और कर दीजिए एंट्रीज. चलिए करें इलस्ट्रेशन नंबर 16. जब भी कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले तो डेट और इक्विटी कंपोनेंट को अलग अलग करना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी कंपोनेंट, डेट एंड इक्विटी कंपोनेंट, और इसकी मैंने अलग से अच्छे बताई थी पूरी वर्किंग्स, उसी हिसाब को याद रखेंगे इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको रिपीट हो जाएगा बस एक बार वो. डेट एंड इक्विटी कंपोनेंट, डेट कंपोनेंट की अकाउंटिंग कैश प्लान की तरह और इक्विटी कंपोनेंट की अकाउंटिंग इक्विटी प्लान की तरह होगी. सबसे पहले क्या लिखोगे, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी अल्टरनेटिव, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी अल्टरनेटिव. अगर आप इक्विटी चूज करें तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को कितना खर्चा आएगा, तो आप अगर इक्विटी चूज करते हैं तो कितने शेयर लेंगे, कितने शेयर मिलेंगे आपको 3600 शेयर्स मिलेंगे, और उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा है इसलिए उसके लिए फेयर वैल्यू क्या कंसिडर किया जाएगा 54. 3600 शेयर इंटू 54. अच्छा कितने एम्प्लॉयज हैं सर, एन एम्प्लॉय एक ही है, तो एक ही एम्प्लॉय है, हर एक को कितने, अरे उसी को कितने 3600 शेयर मिलेंगे इनटू फेयर वैल्यू 54. पूरा खर्चा देखना है जी, अभी तो कोई 1/3, 2/3 कुछ नहीं करना, हालांकि साल कितने हैं 3 साल ही है ना, हाँ तो 1/3, 2/3 कुछ नहीं, अभी तो पूरा खर्चा देखना है. बताओ फेयर वैल्यू इक्विटी अल्टरनेटिव कितना, 1,94,400 लेस फेयर वैल्यू ऑफ कैश अल्टरनेटिव. अगर वो आज ही कैश को चूज कर ले तो उसे कितना देना पड़ेगा, अच्छा वो कैश लेगा तो कितने शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन है 3000 शेयर्स के हिसाब से, और फेयर वैल्यू कितनी ली जाएगी इसकी 60 रुपए, क्योंकि इस पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं ना, वो तो कैश ले रहा है, तो कैश ले रहा है तो कैश लेने में जो ग्रैंड डेट को फेयर वैल्यू होगी विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाली वो ली जाएगी. तो 3000 × 60 180,000, ये कैश अल्टरनेटिव है ना, यही है आपका क्या डेट कंपोनेंट.
और बाकी बचा कितना, 14,400, दैट इज इक्विटी कंपोनेंट, दैट इज इक्विटी कंपोनेंट। अब डेट कंपोनेंट 1,80,000, या यूं कहूं डेट कंपोनेंट की अकाउंटिंग तो होगी कैश प्लान की तरह, इक्विटी कंपोनेंट होगा इक्विटी प्लान। अब डेट कंपोनेंट में भी तो वैल्यू बदलता रहता है, फेयर वैल्यू जैसे चेंज होगा, बट इक्विटी कंपोनेंट क्या रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी फेयर वैल्यू वही रहती है, उसमें भी कोई चेंज नहीं करना। चलिए लिखो आगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, जो इक्विटी कंपोनेंट है इक्विटी प्लान की तरह, क्या एम्प्लॉइज हर बार चेंज हो रहे हैं क्या? नो सर, वो एक ही तो एम्प्लॉई है। मैंने कहा अच्छा, एम्प्लॉई अगर हर बार चेंज नहीं हो रहे हैं तो भैया जितना भी खर्चा है ना, उसको वेस्टिंग पीरियड 3 साल में बांट दो, कितना आएगा हर साल, 4,800 per annum। तो हर साल खर्चा कितना बुक करना है एम्प्लॉय एक्सपेंसेस के इक्विटी कंपोनेंट के लिए, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, याद है 4,800 हर साल एंट्री करूंगा, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, तीनों साल। ओके जी, फिर डेट कंपोनेंट, डेट कंपोनेंट इसमें तो सर हर बार जैसे जैसे फेयर वैल्यू बदलेगा हमारा खर्चा भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ईयर वन, ईयर वन कितने शेयर्स सर, 3,000 शेयर्स। ईयर वन के एंड में फेयर वैल्यू कितनी है सर, ईयर वन के एंड में 64, फिर 68 और फिर 72, 64, 68, 72, 1, 2, 3। तो 3,000 शेयर × 64 कितना होता है, उसमें से खर्चा कितना बुक हो जाना चाहिए, कैश प्लान है वेस्टेड इमीडिएटली है या 3 साल बाद वेस्टिंग, तो 1/3 खर्चा बुक हो जाना चाहिए। कितना हुआ, 64,000। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन में मुझे टेबल क्यों बनाना पड़ा, वेस्टिंग पीरियड था, कैश प्लान था, वेस्टिंग पीरियड भी था, फिर भी मैंने टेबल से किया, क्योंकि पेमेंट कैसे हो रहा था, इंट्रेंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग हो रहा था, पेमेंट में चेंज आ रहा था, फेयर वैल्यू पे पेमेंट नहीं हो रहा था, सन्नाई वाली चीज, तो मेरे को टेबल बनाना पड़ा उस तरीके से। ओके, ईयर टू 3,000 शेयर, इस बार फेयर वैल्यू कितनी है, 68, अब तक कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए, 2/3, उसमें से पिछली बार कितना हो चुका है, 64,000, देखो कितना आ रहा है, टोटल कितना, 1,36,000 माइनस 64,000 कितना हुआ, 72,000। ओके जी, ईयर थ्री 3,000 शेयर, फेयर वैल्यू कितनी इस दिन, 72 रुपए, अब तक कितना खर्चा, 3/3, और पिछली बार तक कितना हो गया था, 1,36,000, टोटल देखना कितना, 2,16,000। ओके बजरंग, माइनस 1,36,000, 80,000 का खर्चा इस दिन बुक हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत, डेट कंपोनेंट कैश प्लान की तरह चला, इक्विटी कंपोनेंट इक्विटी प्लान की तरह चला। ओके, बस अब क्या है, अब तो अकाउंटिंग है, कर देंगे। चलो इसकी जर्नल मैं करवा देता हूं। यहां तक समझ में आ गया ना, हाँ जी। मेन जो गेम है वो तो यही है, डेट और इक्विटी कंपोनेंट को अलग अलग करना, फिर तो हम समझ जाते हैं। अच्छा, इक्विटी कंपोनेंट इक्विटी प्लान की तरह और डेट कंपोनेंट वाला
कैश प्लान की तरह चलेगा, तो फेयर वैल्यू हर बार चेंज होता जाएगा। करें अकाउंटिंग, ओके लिख लिया यहां तक, ठीक है सही है, ओके मोनिका। चलिए ईयर वन, एम्प्लॉई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी कंपोनेंट के लिए तो आप करोगे एसवीपी रिजर्व, अदर इक्विटी, और जो डेट कंपोनेंट है कैश प्लान उसके लिए आप क्या करोगे एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट। अब पहले साल एसबीपी रिजर्व के लिए कितना खर्चा बुक करना, 4800, इक्विटी प्लान का कितना, इक्विटी कंपोनेंट 4800, और एसबीपी लायबिलिटी कितना है 64000, दोनों को मिला के खर्चा बुक हो जाएगा 68800। अगेन ईयर टू और ईयर थ्री सेम एंट्री जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, ये सेम एंट्री यहां पे ईयर टू में, और यही सेम एंट्री ईयर थ्री में, लेकिन वैल्यूज चेंज है सेकेंड ईयर में। अच्छा उसमें भी इक्विटी कंपोनेंट वाला जो पार्ट है वो तो क्या रहेगा सेम 4800, लायबिलिटी वाला चेंज हो जाएगा, सेकेंड ईयर में 72, थर्ड ईयर में 80, 72 और 80, ये हो जाएगा 76800, और ये हो जाएगा 84800। 3 साल का तक, हाँ तक का तो ऐसा ही है, चेक कर लो अपने बुक में, ठीक है ना। अब अगर वो कैश अल्टरनेटिव लेगा या इक्विटी अल्टरनेटिव चूज करेगा वो तो डिपेंड करेगा 3 साल बाद, तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग चलानी होगी। उसने ऑप्शंस कैसे दिए थे अपने को क्वेश्चन में, पहले क्या बोला था, पहले ए पार्ट कैश अल्टरनेटिव और बी पार्ट इक्विटी, तो पहले लिखते हैं कैश अल्टरनेटिव ए, इफ एम्प्लॉय चूज कैश अल्टरनेटिव, अगर वो कैश चूज करता है तो क्या होगा, अगर वो कैश चूज करता है तो क्या होगा, तब तो सिंपली क्या करना है, जितनी भी आपने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है उसका क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। कितनी लायबिलिटी क्रिएट कर रखी थी अब तक, सर हमने 3 सालों में देखो डेट कंपोनेंट में थर्ड ईयर में देखो क्यूमुलेटिव 216000, तो 216000 हमने बुक कर रखी थी, उसको हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे बस। अगर कैश लेगा तो कितने कैश देना है, जितना लायबिलिटी था, और बीइंग एसबीपी लायबिलिटी पेड है ना। अच्छा और क्या करना है, वो जो एसबीपी रिजर्व बना रखा था सर उसका क्या कर देंगे, उसको फ्री कर दो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, इन्होंने तो उसकी एंट्री ही नहीं की है, ठीक है एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना था रिजर्व 14400 ना, 14400 बीइंग बैलेंस ऑफ एसबीपी रिजर्व अदर इक्विटी पे आगे लिख देना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। दिक्कत है क्या, कैश लेगा तो कितना पेमेंट करना है, जितना लायबिलिटी रेज किया केवल उतना डेट कंपोनेंट वाला, और जो रिजर्व बना रखा है उसका क्या करेंगे सर, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और बी पार्ट हाँ लिख लो यहां तक लिख।
सेकेंड ईयर वाला तो लिख लिया था ना, ठीक है थर्ड ईयर। लिखा ऋतिक यहां तक? हाँ जी, बड़े आगे फिर हम। और अगर एम्प्लॉय क्या चूज कर रहा है? इक्विटी अल्टरनेटिव। इफ एम्प्लॉय चूज इक्विटी अल्टरनेटिव, इक्विटी अल्टरनेटिव, अगर वो इक्विटी अल्टरनेटिव चूज करे तो इक्विटी का तो भैया पूरा वैल्यू देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कितना? 1,94,400। अब इसमें तो एक अस्सी भी शामिल है, एसबीपी लाइबिलिटी जिसके लिए क्रिएट किया हुआ होगा, या इक्विटी कंपोनेंट भी शामिल है, टोटल देना पड़ेगा ना 194,400 के हिसाब से। मतलब अपने अपन ने क्या करना है ऐसे केस में, सुनो। अगर वो इक्विटी अल्टरनेटिव लेगा तो आपकी जो एसबीपी लाइबिलिटी है, पहले तो उसको कहां ट्रांसफर कर दो? एसबीपी रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। एसबीपी लाइबिलिटी जितना भी क्रिएट कर रखा था, पेमेंट नहीं करना ना, रिजर्व में ट्रांसफर कर दो वापस, क्योंकि हमने लाइबिलिटी क्रिएट किया था बट एक्चुअली ले वो लाइबिलिटी दैट कंपोनेंट नहीं था, इसलिए वापस रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ठीक है जी, बीइंग बैलेंस ऑफ एसबीपी लाइबिलिटी ट्रांसफर टू एसबीपी रिजर्व अदर इक्विटी। ओके, अब एसबीपी लाइब्रेरी तो हो गया है खत्म, अब बताओ एसबीपी रिजर्व कितना है? सर 14,400 तो पहले ही था, ठीक है ना? 14,400 तो हमने ही क्रिएट किया था, 4,800, 4,800, 4,800, 216 और हो गया, कितना हो गया? वो वाला वैल्यू नहीं, ऊपर वाला, हाँ अब ये वाला जितना भी अकाउंट का बैलेंस है, 216 और 14,400 कितना हुआ? 2,30,400। इसके लिए आपको क्या कर देना है? शेयर इश्यू कर देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कितने इश्यू होंगे इक्विटी अल्टरनेटिव में? 3,600 शेयर। हर एक का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। 3,600 × 10 कितना होता है? 36,000, और बाकी बचा सारा कहां आपको शिफ्ट कर देना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 194,400 बींग शेयर इश्यूड टू एम्प्लॉइज, 194,400। तो अगर आप इक्विटी अल्टरनेटिव कर रहे हो तो जो लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी है उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, देन रिजर्व से शेयर इश्यू कर दो, खत्म बात। अच्छा रिजर्व में कितना बैलेंस आएगा? 14,400 आपने बना रखा था और अभी अभी कितना ट्रांसफर हो गया? 216। और कुछ नहीं देखना कितना था क्या था, कुछ नहीं, शेयर दे दो, बाकी सारा सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो, खत्म बात। बैलेंस, ये बैलेंसिंग अमाउंट है, ये बैलेंसिंग फिगर, कहीं से कैलकुलेट नहीं हो रही है, ये 194,400। ठीक है जी, अब इनके देखते हैं कितना है शेयर प्रीमियम में, 1,86,000 और 8,400 आ गया ना, 194,400 बिल्कुल। ओके, बट अपन ऐसे करेंगे अपने अकॉर्डिंग। चलिए क्लियर है, एसबीपी शेयर बेस्ड पेमेंट काफी अच्छा था, काफी बड़ा था। ठीक है जी, नेक्स्ट इंडियस नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। एंट्रीज कर लेना आप।